जलपुर में आज से गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है, जहां पर इसके लिए शहरी क्षेत्र में आने वाले 3 सरकारी प्रमुख अस्पतालों में और 4 ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में आज से गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन का डोज लगाया जाएगा। इन सेंटर्स पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त कक्ष बनाए गए हैं, जहां पर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा और साथ ही में अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाएं भय और भ्रांति को छोड़कर टीकाकरण के इस महाअभियान में अपने आप को टीका लगवाने पहुँच रही है। वही गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के काम से लगे स्वास्थ्य कर्मी भी आज से शुरू हुए गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण कराने वाली महिलाओं को 20 दिन तक फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 23 जुलाई है और आज गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण की जो एक मुहिम है वो आज से शुरू हो गई और इसी के तहत प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग में सभी गर्भवती महिलाएं जो भी जहां से भी आती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके टीका लगाया जाएगा। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने पूरा टीकाकरण का जो सेटअप है वो डिपार्टमेंट में लगाया और पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई इसी के व्यवस्थाओं के जायज़ा लेने के लिए डीन सर डॉक्टर कसार भी पधारे और हमारी HOD डॉक्टर कविता सिंह और हमारे जितने भी सहयोगी इस टीकाकरण कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे आगे भी। हम लोगों ने जाके महिलाओं से बात करी, उन लोगों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और डीन सर के सामने 2 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन एवं टीका भी लगा। थोड़ा अफसोस ये बोलने में हो रहा है कि हम लगातार सुबह से महिलाओं को बता रहे हैं कि यह टीका इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस टीके से ना केवल उस गर्भवती महिला की सुरक्षा होगी पर उसके शरीर में जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनेगी वो उसके नाल के द्वारा उसके बच्चे तक भी पहुंचेगी। तो जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसमें भी इस बीमारी से लड़ने की क्षमता होगी और यह आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जब सुरक्षित वातावरण जो माँ के पेट के अंदर उसको हासिल होता है वहाँ से बाहर निकलता है और इस तरह के असुरक्षित एक पैंडेमिक के वातावरण में आएगा तो उसके सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोगों ने एक तरह से सरकार से बार बार वार्ता की। हम लोगों ने जो टास्क फोर्स है उसको बार बार ये कहा और हमने उनसे ये भी बात कही कि विदेशों में जैसे अमेरिका हो गए, UK हो गए, पिछले 3 महीने से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण चल रहा है और बहुत ही अच्छे इसके परिणाम देखने को मिले हैं। ना कि बीमारी का जो प्रतिशत है वो गर्भवती महिलाओं में कम हुआ बल्कि जिन महिलाओं को हुआ उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर रही और बिल्कुल थोड़ा बहुत सर्दी बुखार में ही वो ठीक हो गए और उनके बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी तक टीका। तो मैं आपके माध्यम से यह संदेश सभी माताओं बहनों को परिवार के बड़ों को क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे हम किसी भी गर्भवती महिला को कुछ भी अगर सुझाव देते हैं तो वो तुरंत कहते हैं कि हम पति से पूछते हैं या सास ससुर से पूछते हैं। तो मुझे सारे पतियों को सारे सास ससुर को ये बताना है, आप लोगों से अपील है कि कृपया आप खुद आगे बढ़ के आएँ, अपने गर्भवती जो आपकी पत्नी है या बहू है या बेटी है उसको अस्पताल ले आएं, जो भी नज़दीकी टीकाकरण केंद्र हो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपने स्वेच्छा से बड़े खुश होके कि मेरी सुरक्षा होगी, मेरे बच्चे की सुरक्षा होगी, इस मानसिकता से बड़े अच्छे से टीका लगवाएं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल कोवैक्सीन लग रहा है, चाहे कोविशील्ड लगे चाहे कोवैक्सीन लगे, ये दोनों टीके 80 से 85% तक माताओं को और उनके बच्चों को सुरक्षा देगी। इनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो बिल्कुल नगण्य ना के बराबर हैं और केवल 1 या 2 पैरासीटामोल की गोली खाने से ये ठीक हो जाएगी। और अभी तक ऑन रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव हमने गर्भवती महिलाओं में नहीं देखा और अगर किसी को दुष्प्रभाव होता भी है तो आप समझें कि हम लोग आपके सेवा के लिए तो बैठे हैं, ये आह्वान है सरकार की तरफ से हम सभी
जो जिम्मेदार लोग हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ के तरफ से और सभी समझदार जो हमारे देश के नागरिक हैं, आइए इस जो बड़ा सा एक मुहिम छेड़ा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसमें अपनी जन भागीदारी निभाइए, खुद को सुरक्षित करिए और अपनी गर्भवती जो पत्नी है, बेटी है, बहुएं हैं, उनको भी सुरक्षित करिए और अपने नाती पोते सबको सुरक्षा प्रदान करिए। धन्यवाद। आप अपने नाम बता दें। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गीता, मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इसके अलावा मैं जबलपुर स्त्री रोग संघ जो है जॉक्स उसकी भी अध्यक्ष हूँ। तो आप समझे कि मैं एक मेडिकल कॉलेज जबलपुर की तरफ से, सरकार के तरफ से और स्त्री रोग संघ के तरफ से आपको आह्वान कर रही हूँ और समझे कि हम हमेशा से आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे हैं। आपके भी जाके हमने आपको सेवाएं दी तो आज कैसे हो सकता कि हम जानबूझ के आपके स्वास्थ्य को या आपके हेल्थ को या आपके जीवन को दांव पे लगाए। हम तो आपको बचाने आए हैं, आइए हमारे साथ जन भागीदारी निभाइए। धन्यवाद। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।